नमस्कार, ओम शांति। मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र के अहमदनगर में संस्था द्वारा नए वर्ष में नई पहल, राजयोग मेडिटेशन कोर्स का ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन दिया प्रशिक्षण। माउंट आबू से सुरक्षा सेवा प्रभाग द्वारा सुरक्षा बल के जवानों के लिए ऑनलाइन वर्कशॉप, अवसाद से मुक्त रहने की बताई युक्तियाँ। संस्था की राजयोग शिक्षिका बीके डॉक्टर बिन्नी को मिला ग्लोबल पीस फॉर एम्पावरमेंट एक्सीलेंस का अवार्ड। वीटी गॉसिप और यूएस ग्लोबल पीस एवं डेवलपमेंट ने किया सम्मानित। और दिव्यांग बच्चों के लिए ब्रह्म कुमारीज द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन। ब्रेल लिपि में छपी राजयोग मेडिटेशन की पुस्तकें की गई भेंट। महाराष्ट्र के अहमदनगर में ब्रह्म कुमारीज ने नए साल के मौके पर एक नई पहल की। अहमदनगर राज्योग हिलर ग्रुप और रोटरी क्लब ऑफ अहमदनगर ने कोरोना महामारी के माहौल को देखते हुए ऑनलाइन और ऑफलाइन 7 दिवसीय राज्योग मेडिटेशन कोर्स का आयोजन किया। ब्रह्म कुमारीज का राज्योग हिलर ग्रुप और रोटरी क्लब ऑफ अहमदनगर के तरफ से राज्योग मेडिटेशन का 7 डेज का कोर्स 5 डेज में लिया गया। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। कोरोना के सारे नियमों का पालन करते हुए ऑफलाइन भी कोर्स लिया गया और साइमल्टेनियसली ऑनलाइन भी कोर्स लिया गया। रोटरी क्लब ऑफ अहमदनगर का प्रेसिडेंट हूं करण, और हमारा क्लब 75 इयर्स सेलिब्रेट कर रहा है डायमंड जुबली। अभी हमने राजयोग ब्रह्म कुमारी, राजयोग हिलर ग्रुप और रोटरी क्लब ऑफ अहमदनगर, तो इन दोनों के संयुक्त विद्यमान से राजयोग मेडिटेशन कोर्स अभी हमने लिया है। यह कोर्स 5 दिवसीय रहा, जिसका लगभग 400 से भी अधिक लोगों ने लाभ लिया। आइए सुनते हैं उनमें से कुछ लोगों के अनुभव। दिस इज अ सर्विसेज टू द गॉड मैनकाइंड एंड लिटरली द पीपल लाइक अस। हम लोग जिसने ये सर्विसेज नॉट सर्विसेज, जो अमृत हमने पिया है, ये अमृत पी के हमारा लाइफ 100% नहीं, पूरा भरोसा है कि अच्छा ही होगा। हमारा जो वक्त है वो इतना स्पीड में निकल जाता है, पर हम कहीं तो भी रुक नहीं पाते। अब हमें कहाँ रुकना है, ये भी हमें इस मेडिटेशन से बहुत कुछ मिला है। इससे मैं शांति मिलती है और मैं शांति से निद्रा भी ले सकता हूँ। इस दौरान कार्यक्रम में रोटरी क्लब ऑफ अहमदनगर के असिस्टेंट गवर्नर दादा साहेब करण जुल्ले, नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर प्रकाश कांकरिया, नगर सेविका मंगल गुंदेचा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। जीवन में लाइट ही लाइट, खुशियां ही खुशियां, उजाला ही उजाला, रोशनी ही रोशनी दिखाई दे रही है। अंतर मन की ज्योति जगाओ, होगा दूर अंधेरा। ब्रह्म कुमारी संस्थान के सहभागी संस्था राजयोग रिसर्च एवं एजुकेशन फाउंडेशन के सुरक्षा एवं सेवा प्रभाग द्वारा माउंट आबू से ऑनलाइन सेशन का आयोजन किया गया। इस सेशन में मध्य प्रदेश के पुलिस अधिकारियों एवं अन्य सुरक्षा बल के जवानों ने पार्टिसिपेट किया। 2 दिवसीय आयोजित इस वर्कशॉप में मोटिवेशनल ट्रेनर बीके ईवी गिरीश ने अवसाद से कैसे मुक्त रहे, इसको लेकर अपने विचार रखे। इस सेशन से जुड़े सभी जवानों ने बीके ईवी गिरीश का आभार व्यक्त किया। वीटी गॉसिप और यूएसए ग्लोबल पीस एवं डेवलपमेंट संस्था द्वारा ग्लोबल एम्पावरमेंट अवार्ड 2021 सेरेमनी का आयोजन किया गया। ये प्रोग्राम वर्चुअल था, जिसमें 30 देशों की नामचीन हस्तियों को सम्मानित किया गया, जिसमें से एक नाम ब्रह्म कुमारी संस्था की सीनियर राजयोग टीचर बीके डॉक्टर बिन्नी सरीन का भी था। उन्हें ग्लोबल पीस फॉर एम्पावरमेंट एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस सम्मान के लिए बीके बिन्नी ने एक वीडियो संदेश भी दिया। इट इज आवर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी शुड एम्पावर आवर सेल्फ, मींस द सोल एम्पावरमेंट। चारों तरफ अंधकार छाया हो तो उम्मीद की एक किरण भी जिंदगी रोशन करने के लिए काफी होती है। ब्रह्म कुमारी वही किरण है, जो काफी समय से दृष्टिबाधित बच्चों की अंधेरी जिंदगी में उम्मीद की किरण भर रहा है। जी हाँ, मुख्यालय माउंट आबू के ज्ञान सरोवर परिसर में दृष्टिबाधित बच्चों के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया।
जहां दिव्यांग विद्यालय के बच्चों ने लुईस ब्रेल का जन्म दिवस अर्थात विश्व ब्रेल दिवस मनाया। इस अवसर पर संस्था के दिव्यांग सेवा विभाग के कोऑर्डिनेटर बीके सूर्यमणि ने लुईस ब्रेल की जीवनी पर प्रकाश डाला। ऐसा ही कार्यक्रम राजकोट के पंचशील में भी आयोजित किया गया, जहां पंचशील सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके किंजल, बीके काजल ने दिव्यांग बच्चों के साथ स्पिरिचुअल क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। अंध महिला विकास गृह में पहुंचकर बीके बहनों ने विश्व कल्याणकारी परमात्मा शिव के दिव्यांग संतानों को ब्रेल लिपि में 4 पुस्तकें भेंट की एवं राजयोग मेडिटेशन की विधि बताते हुए डेली मेडिटेशन करने की बात कही। विश्व ब्रेल दिवस पर उदयपुर में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां प्रज्ञा चक्षु विद्यालय की ओर से ब्रह्म कुमारी इसको आमंत्रित किया गया, जिसमें उदयपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीटा ने लुईस ब्रेल की महिमा करते हुए सभी को शुभ भावना शुभकामना देते रहने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड के प्रमुख कार्यकर्ता वीरेंद्र आर्य एवं बीके रीटा ने प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित किया। वहीं बीके बहनों ने संस्था द्वारा विशेष रूप से तैयार की गई ब्रेल लिपि की पुस्तकें भेंट की। अमृत महोत्सव कार्यक्रम श्रृंखला में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 FM की ओर से एक विशेष पहल की गई, जिसमें रेडियो मधुबन के स्टेशन हेड बीके यशवंत, आरजे रमेश ने माउंट आबू के अंतर्गत आने वाले आदिवासी क्षेत्र निचलागढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के लगभग 500 जरूरतमंद छात्र छात्राओं को ठंड से सुरक्षा के लिए जूते एवं मोजों का वितरण किया। ये सभी छात्र छात्राएं निचलागढ़ के आसपास स्थित गांवों में रहते हैं। इस मौके पर विद्यालय के प्रधान आचार्य बाबूलाल प्रजापति, उपलागढ़ की पूर्व सरपंच शर्मीबाई उपस्थित रही। गुरुग्राम के पालम विहार सेंटर पर न्यू ईयर सेलिब्रेट किया गया, जिसका शुभारंभ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के फॉर्मर एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर उदय पंत, लाइफ इंश्योरेंस जोनल ट्रेनिंग सेंटर के डायरेक्टर मनोज कुमार, पालम विहार सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिल, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सुदेश ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर अतिथियों एवं संस्था के वरिष्ठ सदस्यों ने जीवन को हर दिन सकारात्मक एवं खुशनुमा बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। अब कुछ खबरें एक नजर में। उत्तराखंड के हल्द्वानी सेवा केंद्र द्वारा लगाया एक मास मेला, मेले का नैनीताल तराई सिंचाई विभाग के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी भुवनलाल शाह समेत कई अधिकारियों ने किया अवलोकन, बीके नीलम समेत कई बीके बहनों ने सैकड़ों लोगों को दिया आध्यात्मिक ज्ञान, मध्य प्रदेश के खजुराहो सेंटर ने किया शिक्षकों का स्नेह मिलन समारोह, इस मौके पर अलग अलग स्कूलों के प्रिंसिपल एवं टीचर्स रहे उपस्थित, सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या ने शिक्षा में नैतिक मूल्यों का समावेश करने की बात कही, समारोह में बीके रीना ने बच्चों के विकास में शिक्षकों की अहम भूमिका पर डाला प्रकाश। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में स्वच्छ भारत का निर्माण श्रेष्ठ विचारों से ही संभव है विषय पर कार्यक्रम, इंदौर के राजयोग शिक्षक बीके नारायण ने मन को स्वच्छ शुद्ध करने की आवश्यकता पर दिया जोर, वहीं शिक्षा अधिकारी करमन खतकर ने समाज में कन्याओं की अहम भूमिका पर डाला प्रकाश, बीके पूजा ने मानसिक शांति के लिए मेडिटेशन के विस्तार से दी जानकारी, कार्यक्रम में सरपंच उप सरपंच समेत कई अधिकारी रहे उपस्थित। बिहार मधेपुरा में किशनगंज द्वारा अलविदा तनाव कार्यक्रम, कार्यक्रम में बीके रंजू, बीके दीपक, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी विलास कुमार समेत कई विशिष्ट लोग रहे उपस्थित। बीके दीपक ने बताया मन में लगातार नकारात्मक विचारों का चलना अनेक समस्याओं का कारण है, बीके बहनों ने तनाव को अलविदा करने का रामबाण इलाज बताया मेडिटेशन। ऐसा ही कार्यक्रम जेल में कैदियों के लिए किया गया आयोजित, बीके बहनों ने कर्मों की गहन गति पर डाला प्रकाश, बीके सदस्यों ने सभी कैदी बंधुओं से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रखने हेतु व्यसन छोड़ने की कराई प्रतिज्ञा, इस मौके पर उपाधीक्षक दिनेश कुमार भी रहे उपस्थित। मध्य प्रदेश के सारंगपुर सेंटर पर पत्रकारों के लिए सम्मेलन, सेवा केंद्र प्रभारी बीके भाग्य लक्ष्मी ने पत्रकारों को समाज में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए किया सम्मानित, सम्मेलन में पूर्व विधायक गौतम टेटवाल समेत कई वरिष्ठ पत्रकार रहे उपस्थित। वहीं सेंटर पर 21 दिन के लिए विशेष मेडिटेशन प्रोग्राम का आयोजन,
वर्तमान समय में विश्व में हो रही हलचल, दुख, अशांति में सभी को शांति के वाइब्रेशन देने हेतु किया गया मेडिटेशन। मध्य प्रदेश सिंगरौली के बीना परियोजना के वर्कर्स क्लब में व्यसन मुक्ति के लिए कार्यक्रम। कार्यक्रम में भोपाल जोन की निदेशिका बीके अवधेश ने सभा में मौजूद हजारों लोगों को व्यसन मुक्त जीवन पर दिया प्रशिक्षण। कार्यक्रम में ग्वालियर से बीके ज्योति, बीके अंजू समेत शहर के कई वरिष्ठ पदाधिकारी रहे मौजूद। वहीं सिंगरौली नवानगर क्षेत्र में राजयोग मेडिटेशन द्वारा सकारात्मक चिंतन विषय पर कार्यक्रम। बीके अवधेश ने मौजूदा सैकड़ों लोगों को सकारात्मक जीवन जीने की सिखाई कला। जबलपुर के पनागर में किसानों को किया गया सम्मानित। कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव रहे शामिल। बीके भावना ने मौजूदा किसानों को जैविक खेती के विषय पर दी जानकारी। ऐसा ही कार्यक्रम यूपी में स्थित कुशीनगर के पडरोना सेवा केंद्र पर भी किसानों के सम्मान में किया गया आयोजित। इस मौके पर किसानों को बीके मीरा ने किया सम्मानित। बीके मीरा ने किसानों को रासायनिक खाद का इस्तेमाल न करने की अपील की। कार्यक्रम में भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष आनंद तिवारी समेत कई किसान भाई रहे उपस्थित। महाराष्ट्र के कणकवली सेवा केंद्र का 32वां वार्षिकोत्सव। नए साल पर एनिवर्सरी का ग्रैंड सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन पर गोवा के पणजी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके शोभा समेत शहर के कई विशिष्ट लोग रहे उपस्थित। इस अवसर पर 32 वर्षों से ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग का अभ्यास करने वाले नियमित बीके सदस्यों को किया गया सम्मानित। हमें न्यूज भेजने के लिए peacenews@godlywoodstudio.org पर मेल करें और पीस न्यूज बुलेटिन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पीस न्यूज गॉडलीवुड को सब्सक्राइब करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए लेती हूँ इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।